हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार गुप्ता, यूट्यूब चैनल पीवीजी ट्रिकी क्लासेज में आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा पार्ट थ्री। ठीक है, अलजेब्रा पार्ट थ्री। इसके पिछले दो वीडियो में हम लोग देखे थे सम स्पेशल केस, अलजेब्रा के स्पेशल केस देखे थे। ठीक है, यदि कोई भी पिछले दो वीडियो को यदि नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन दो वीडियो को देखकर इसके बाद ही इस वीडियो को रेगुलर करें। ठीक है, पिछले दोनों वीडियो में हमने कुछ ऐसे टर्म, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर यदि वन हो तो एक्स क्यूब बराबर क्या होता है, माइनस वन होता है। यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर माइनस वन है तो एक्स क्यूब बराबर क्या होता है, प्लस वन होता है। फिर इसके बाद एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर टू हो तो एक्स बराबर क्या होता है, वन होता है। और x प्लस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट थ्री हो तो x का पावर सिक्स बराबर माइनस वन। ठीक है, और x का पावर सिक्स बराबर प्लस वन बराबर जीरो, और एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर जीरो। ठीक है, ये सब टर्म हम पिछले वीडियो में बताए थे, इस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग इस स्पेशल केस की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग जनरल केस की बात करेंगे जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो केवल क्या होगा, बेसिक होगा कि वो कैसे आता है। ठीक है, और कैसे हम लोग उसको काम में लाएंगे। ठीक है, चल देखते हैं। इसे हम लोग देखते हैं x प्लस वन बाई एक्स, यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए एक्स इंटू बी वन बाई एक्स। ठीक है, तो ये x से x कट जाता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, अगर इसके पार्ट में अगर मान लीजिए कोई a रहता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए स्क्वायर करते हैं, और यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला ऐसे आ जाता है। जैसे फॉर्मूला हम लोग इसके बेस पर लिख देते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर a हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, यदि x प्लस वन बाई एक्स एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू, क्योंकि प्लस वाला में क्या होता है, प्लस वाले में यहाँ प्लस होता है जो इधर जाकर क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। और माइनस का अगर यहाँ पे अगर माइनस लेकर चले हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी, और यहाँ पे ये जो माइनस हो जाएगा उधर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों हम लोग देखें स्क्वायर वाला। ठीक है, स्क्वायर वाला ये दोनों टर्म हम लोग क्या किए देखिए, यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर ए हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू होता है। फिर इसके बाद x माइनस वन बाई एक्स बराबर यदि a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्या है, यदि मान लीजिए कि पहले से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर a दिया हुआ है, अब हमको लाना है इससे x प्लस वन बाई एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे। तो जब भी दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे तो मेरा मिल जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए बी जो क्या होता है कट जाता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस टू, अर्थात एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस टू, अंडर रूट ए प्लस टू। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे तो ये हो गया x प्लस वन बाई एक्स, अर्थात x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर से हम लोग क्या निकालें, x प्लस वन बाई एक्स निकालने का तरीका क्या होगा, अंडर रूट ए प्लस टू। ठीक है, अभी फॉर्मूला भले ही लिखवा रहे हैं लेकिन इस फॉर्मूला को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को देखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे। तो अभी हम केवल समझने के लिए इसको ले रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं।
यदि मान लीजिए कि यहाँ पे हमको माइनस लाना हो, यहाँ पे क्या लाना हो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर से यदि माइनस लाना हो तो क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस कर देंगे, इधर भी माइनस कर देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टू ए बी यहाँ पे ऐसे होता है, टू इंटू ए क्या होता है एक्स इंटू ए बी क्या होता है एक्स, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस टू, ये एक्स एक्स कर देता है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं ए, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर में यदि टू ऐड कर दें तो क्या मिलता है एक्स प्लस वन बाई एक्स मिलता है, यदि टू को लेस कर दें तो एक्स माइनस वन बाई एक्स मिलता है। तो अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको एक्स माइनस वन बाई एक्स, और यहाँ पे क्या किए थे माइनस किए थे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला को धीरे धीरे नोट करें, अगर यहाँ से ऐसे रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा तरीका, तीसरा इसको देखते हैं, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर यदि कुछ दिया हो, ठीक है, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर यदि a दिया हो, अब हमको निकालना है x माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, निकालना है हमको क्या x माइनस वन बाई एक्स, जैसे मान लीजिए कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर यदि पाँच दिया है, ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स बराबर पाँच दिया है, वो हमको फाइंड करना है x माइनस वन बाई एक्स बराबर वन, ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स बराबर फाइव दिया है और x माइनस वन बाई एक्स बराबर फाइंड करना है वन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसको बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, जब ही स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा टू, और इधर क्या हो जाएगा पच्चीस, ठीक है, पचहा पच्चीस हो जाएगा, क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे टू ए बी के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पच्चीस जो हो जाएगा तो ये टोटली मिल जाएगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर पच्चीस में से दो जाएगा कितना बचेगा तेईस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये टू इधर जाएगा तो क्या बचेगा तेईस। अब हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दिया रहे हैं, हमको चाहिए एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो क्या करेंगे इधर माइनस टू कर देंगे, तो बोथ साइड क्या करेंगे माइनस टू इधर भी कर देंगे और इधर भी माइनस टू कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर और 23 में से दो जाएगा क्या बचेगा 21, ठीक है, 23 में से दो जाएगा 21, अर्थात मिल जाएगा हमको x माइनस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट 21, ठीक है, क्या मिल जाएगा x माइनस वन बाई एक्स बराबर क्या मिल जाएगा अंडर रूट 21, ठीक है, अर्थात हमको प्लस से माइनस पे जाना है तो क्या करना होगा, एक बार स्क्वायर करना होगा, टू ऐड करना होगा, फिर इसके बाद क्या करना है टू माइनस करके यहाँ पे पहुँच जाना होगा, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है, यदि समझ में ना आए तो वीडियो को एक आध बार रोक कर जरूर देखें, समझ में आ जाएगी। अब इसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एक्स से अगर इधर जाना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स से यदि एक्स माइनस वन बाई एक्स की तरफ जाना है तो क्या करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है, यदि इधर से क्या करना है, अगर ये एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया है और एक्स माइनस वन बाई एक्स जाना है तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस फोर। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए पाँच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाँच का स्क्वायर माइनस फोर अर्थात पचास, पच्चीस, पच्चीस माइनस चार कितना हो जाएगा अंडर रूट 21, तो यहाँ पे क्या हो गया अंडर रूट 21। इसका मतलब कि प्लस से हम लोग क्या करेंगे माइनस की तरफ जाएंगे, यदि प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस फोर, और यदि माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, यदि प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस फोर, और यदि माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस फोर आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, जैसे x प्लस वन बाई एक्स बराबर a हो तो x माइनस वन बाई एक्स बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस फोर, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर a हो तो x प्लस वन बाई एक्स बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है,
इसका बहुत ज़्यादा यूज है, इसको याद रखें, ये दोनों टर्म को याद रखें, ठीक है। बहुत सारा फॉर्मूला है जो कुछ जो है क्वेश्चन के साथ कराएंगे, ठीक है, कुछ अभी। अब देखते हैं आगे, यहाँ तक हो गया, अब हम लोग देखते हैं यदि यहाँ पे दिया हो x माइनस वन बाई एक्स बराबर फाइव, यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर फाइव दे, ठीक है, तो अगर ये पूछे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर हम लोग ये नहीं दे देंगे कि ए स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, या ए स्क्वायर माइनस टू, ऐसे फॉर्मूला पे हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर किस रूप में टूटता है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात एक्स प्लस वन बाई एक्स के रूप में टूटेगा और एक्स माइनस वन बाई एक्स के रूप में टूटेगा, ठीक है। तो जब ही एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर दिखे तो हम लोग वो गलती नहीं करेंगे, इसको हम लोग किस रूप में टूटेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स माइनस वन बाई एक्स के रूप में। तब जब ही इस तरह से टूटेगा तो हमको तो x माइनस वन बाई एक्स का मान दिया है, x प्लस वन बाई एक्स का मान हमको चाहिए, तो तुरंत हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि x माइनस वन बाई एक्स से अगर यदि x प्लस वन बाई एक्स लाना है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस फोर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस फोर अर्थात पचास पच्चीस और प्लस चार कितना हो जाएगा, उनतीस, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, उनतीस, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा x प्लस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट उनतीस और x माइनस वन बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पाँच, अर्थात फाइव अंडर रूट उनतीस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दे तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस टू या ए स्क्वायर प्लस टू का फॉर्मूला अपनाएंगे, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर दें तो इस फॉर्मूला को हम लोग नहीं अपनाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्यू के रूप में, और वो एक्स प्लस वन बाई एक्स, यदि एक्स स्क्वायर दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दिया हो, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालने के लिए हम लोग पहले सीखे थे। अब हम लोग देखते हैं यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर दिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है, अगर ए दिया है तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू अगर ज्ञात करना है तो क्या होगा, ए क्यू, यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस थ्री, अर्थात ए का क्यूब और तीन गुना उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लेस कर देंगे। याद रखें यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस, यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर ए हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस थ्री, ठीक है। x प्लस वन बाई एक्स बराबर ए हो तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या होगा, ए क्यू माइनस थ्री है, और x माइनस वन बाई एक्स बराबर ए रहे तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या होगा, ए क्यू प्लस थ्री, ठीक है। अब ये बात भी याद रखें कि जब भी यहाँ पे प्लस दे तो याद रखें कि यहाँ पे जब भी प्लस दे तो हमको क्या चाहिए, x प्लस वन बाई एक्स के रूप में दिया होना चाहिए, ठीक है। यदि माइनस दे तो x माइनस वन बाई एक्स के रूप में दिया होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यू कितना होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, अगर ए क्यू बी क्यू निकालना चाहें, ए क्यू बी क्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यू, यदि ये माइनस है तो पूरा इधर क्या होता है, प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, यही टर्म आ जाता है, ठीक है, और ए माइनस बी रहता है, और इसी a माइनस बी को a माने हैं तो ये क्या हो जाता है, ए क्यू प्लस इसको 3, और ए बी हम लोग जो भी मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वन बाई एक्स तो ये क्या हो जाता है, कट जाता है, इसलिए x x इंटू वन बाई एक्स का ए बी जो मल्टीपल होगा वो क्या हो जाता है, एक, और a माइनस बी का हम लोग जानते हैं a माइनस बी का मतलब क्या है, a, तो यही हो जाता है ए क्यू प्लस 3, ठीक है, ए क्यू प्लस 3 है। अभी हम याद रखें कि माइनस दिया है तो ये माइनस के रूप में आता है, अगर प्लस दिया रहता है तो प्लस के रूप में आता है, ठीक है, यदि माइनस दिया है तो माइनस के रूप में आएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए प्लस दिया रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है और यहाँ भी प्लस होता है, जो यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस, और यहाँ पे
प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस। इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है यदि क्या रहे, प्लस रहे। तो इन दो फॉर्मूला को भी याद रखें, ठीक है। आज हम लोग देखें क्यूब तक फॉर्मूला, और इस पर जैसे भी जितना भी है उस तरह से हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लीजिए कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर दिया है, यदि 5 x प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 दिया और हमको पूछ दे x क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या होगा। x प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 हो, x क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या होगा। तो अब हमको याद है कि x क्यू माइनस वन भी, याद रख जब भी क्यूब अगर माइनस चाहिए तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, x माइनस वन बाई एक्स चाहिए, जो कि दिया हुआ है x प्लस वन बाई एक्स। तो पहले इसको क्या बदलेंगे, x माइनस वन बाई एक्स के रूप में बदलेंगे। तो x माइनस वन बाई एक्स के रूप में बदलेंगे तो ये क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 21, ठीक है। तो अब हमको मिल गया x माइनस वन बाई एक्स। अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा 21 का क्यूब प्लस 3 इंटू अंडर रूट 21। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 का क्यूब करेंगे तो पहले 21 का कितना स्क्वायर होता है 21, ये पहले क्यूब हो जाएगा तो 21 गुणे 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 बाहर निकल जाएगा और 21 अंडर रूट 21 और प्लस हो जाएगा 3 अंडर रूट 21 और 21 से 3 कितना हो जाएगा 24 अंडर रूट 21 और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस आगे करेंगे, आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे अगले वीडियो में, इस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग x का पावर 3, x का पावर 4, x का पावर 5, x का पावर 7 के रूप में हो तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें 21, ये क्या होगा, हमको माइनस यहाँ पे दिया हुआ था तो इसका मतलब कि हमको माइनस की ज़रूरत है, तो माइनस दिया है तो माइनस की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस से पहले क्या निकालेंगे माइनस निकालेंगे और माइनस निकाल कर इसमें रखेंगे तो 21 का क्यूब करेंगे तो 21 का दो बार मल्टीप्लाई होगा तो 21 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट 21 और 3 अंडर रूट 21 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 अंडर रूट 21 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन, अभी एक्स अगर प्लस दिया है, अगर प्लस वाला चाहिए तो प्लस वाला अगर डायरेक्ट मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछें, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछे तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमको फॉर्मूला मालूम है एक क्यूब प्लस, और यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होता है एक क्यूब माइनस 3a और एक क्यूब तो यहाँ पे दिया हुआ है प्लस के रूप में होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पे क्या किसके रूप में होना चाहिए प्लस के रूप में होना चाहिए था, प्लस पहले से प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या करेंगे एक क्यूब मतलब कि 5 का क्यूब, तो 50 25 5 125 और माइनस 3 गुणे 5 कितना आ जाएगा 110 और ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्यूब के साथ इस बात को हमको ध्यान रखना है कि यदि यहाँ माइनस है तो हमको x माइनस वन बाई एक्स के रूप में चाहिए, यदि यहाँ पे प्लस है तो x प्लस वन बाई एक्स के रूप में चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग तीन फॉर्मूला पढ़े, तीन फॉर्मूला से रिलेटेड स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड हम लोग पढ़ें, ठीक है। आगे इसका यूज है, हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि क्वेश्चन से हम लोग को अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं, क्या होगा यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर दिया है a, तो मेरा क्या होगा x माइनस वन बाई एक्स बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर a दिया है तो क्या होगा x प्लस वन बाई एक्स बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर यदि a दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 2। यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर a दिया हुआ है, x प्लस वन बाई एक्स बराबर a दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2। यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर यदि a दिया हुआ है तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या होगा ए क्यू माइनस 3।
थ्री है। यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर a दिया हुआ है तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या होगा, ए क्यू प्लस थ्री। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः फॉर्मूला यहाँ तक याद रखें। फिर पीछे और कुछ बताए थे उसको भी देख लें, उसको नोट कर लें एक जगह। ठीक है, और आगे देखते हैं। यदि मान लीजिए कि कभी भी ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर बराबर यदि ए दिया रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको x प्लस वन बाई एक्स बनाना है, x प्लस वन बाई एक्स बनाना है तो प्लस टू से दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम लोग इसको लिखे फॉर्मूला के रूप में तो क्या हो जाएगा, ये यदि ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है तो ए प्लस वन बाई ए बराबर क्या होगा, प्लस निकालना है तो टू को प्लस करेंगे, मतलब ए प्लस टू करेंगे और उसको क्या कर लेंगे, अंडर रूट कर लेंगे। ठीक है, यदि माइनस निकालना है, ए माइनस वन बाई ए निकालना है तो क्या करेंगे, टू को माइनस करेंगे और इसको अंडर रूट कर लेंगे। याद रखेंगे जब एक्स ए स्क्वायर से ए निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के टर्म करेंगे। वैसे ही कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ स्क्वायर दिया है और ए निकालना है, अगर ऐसे भी दे दे, मान लीजिए कि ए का पावर फोर प्लस वन बाई ए का पावर फोर बराबर ए दे दे, हमको निकालना हो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर, तो वही टर्म करेंगे, ए में क्या करेंगे, टू ऐड करेंगे और इसका अंडर रूट करेंगे, मतलब कि पावर उसका आधा करना हो तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना थ्योरी ही था। ठीक है, अब जितना भी फॉर्मूला आज बताए हैं उस पर कल हम लोग अगले वीडियो में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक्स।